हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीडियम सेसम किचन चैनल। अब तो सभी लोग अच्छे हैं ना। अभी तो अपन किचन में क्या करेंगे, आज तो रसम बनाएंगे, चावल के साथ खाने का रसम। ये तो बहुत हेल्थी रहता, डाइजेस्टिंग रहता, अच्छा। उसमें काली मिर्च सूप डालते ना, इसलिए। और रसम कैसा बनाएंगे, कुछ लोगों को मालूम रहता, कुछ लोगों को नहीं मालूम रहता। अपन तो रसम बना के आज दिखाएंगे, आओ आप वीडियो देखेंगे। अभी किचन में क्या करना अभी देख लेंगे। अभी इसमें एक आधी स्पून जीरा डाल लेना, आधा स्पून। मैं थोड़े से बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। आप लोग ज़्यादा होना बोले तो मैं आधे स्पून डाली है, आप लोग एक स्पून डालेंगे, ज़्यादा रसम बना लेंगे। ऐसा मैं तो आज कम बना रही है, इसलिए थोड़ा डाली। ये आधा स्पून है जीरा। अभी ये तो आधा स्पून काली मिर्च आधा स्पून, जीरा आधा स्पून। अभी इसको पैन कूट लेंगे, इसको कूट लेना। ये कूट लेकर अच्छा कूट लेना है। इसके बाद ये इमली, एक लाइम साइज, लाइम रहता ना उसके साइज में, ये इमली पानी में डाल लेके रख लेना। अभी ये तो कुछ है, ये तो आधा स्पून जीरा है, आधा स्पून काली मिर्च। अभी स्टाउ, सुपर टेस्टी रहता, आपको घर में बना लेके, ये हेल्थी है और डाइजेस्टिंग होता, अच्छा रहता है। ये रसम बोलते हैं, ये चावल के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा रहता। ये तो थोड़ा थोड़ा बना लेंगे, अच्छा रहता। ज़्यादा लोग रहे तो ज़्यादा बना लेंगे। ऐसा अब तो इसमें तेल डाल, एक दो स्पून तेल डाले। ये डालने के बाद इसमें ये जीरा, इसमें क्या करना, चार लहसुन ले लेना, लहसुन इसमें कूट लेना। इसमें अच्छा कूट लेना। अभी तेल तो हो गया, गर्म हो गया। अभी क्या करना है, इसमें थोड़ा वो धनिया की बीज रहता ना, वो थोड़ा डाल लेना, थोड़ा राई डाल लेना। अभी तेल कूट के रखी है ना, ये डाल देना, डाल के होती है मिर्ची, सूखी मिर्ची तो डाल लेना। इसमें हिंग डाल लेना, हिंग हिंग डाल लेना। करी पत्ती डाल लेना, डाल के
डाल देंगे, थोड़ा पानी। हल्दी, थोड़ा हल्दी डाल देना। इसमें नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डाल लेना, थोड़ा देख कर डाल लेना, मैं कितना था उतना डाल लेना, ज़्यादा नहीं डाल। ये तो अभी इसमें इमली का पानी डाल लेना, सुपर टेस्टी रहता है रसम, डाइजेस्टिंग बहुत अच्छा रहता है। इसमें हींग है, काली मिर्च है, जीरा है, इधर में बना लेके ये चावल के साथ अच्छा रहता। कुछ फ्राई रख लेंगे, वो आलू का फ्राई कुछ भी रख लेंगे तो अच्छा रहता। सिंपल है, ज़्यादा नहीं काम नहीं है, ज़्यादा काम तो नहीं है, बहुत हेल्दी है, अच्छा रहता। थोड़ा काम है, ज़्यादा नहीं। ये चावल के साथ बहुत टेस्टी रहता। और इसमें कुछ धनिया के हरी पत्ते डाल लेंगे, थोड़ा पानी डाल लेना। ये रसम तो तीन चार लोग खा सकते, चार नहीं है, तीन लोग खा सकते रसम, तीन चार लोग भी खा सकते रसम, खाने में चावल में डाल के खा सकते, बहुत अच्छा रहता। सुपर टेस्टी रहता, आप लोग भी घर में बना के खा के देखना कैसा है बोल के कमेंट में बोले तो अच्छा रहता, कमेंट करे तो अच्छा रहता। वो भी मेरी MCSM किचन चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, चैनल इंक्रीज करना, इसलिए बोल रही हूँ, लाइक और कमेंट करना, शेयर करना, वो तो आपके मर्जी है। आप तो ये रेसिपी कैसा है बोल के कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अभी देख लो ना, ये तो सुपर टेस्टी रहता, चावल के खाने में बहुत अच्छा रहता। एक स्पून शक्कर डाल देना, बहुत टेस्टी रहता, बहुत टेस्टी। तो ये रसम तो ज़्यादा उबाल नहीं आना, एक ही उबाल आना, ज़्यादा उबाल लेकर नहीं करना, ऐसा एक दो उबाल आ तो बस है, निकाल देना। स्टव आप करके देखना, इतना ये तो टेस्टी रहता, आप खा के देख लेना, घर में बनाना, सुपर टेस्टी रहता। देख लेना ऐसा है, सब सुंदर है ना, तो घर पे बना के चावल डाल के खा लेना, अच्छा रहता, बहुत हेल्दी है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।